Audio Jungle. सतना पुलिस ने नशीली दवाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 400 पैटी कोरेक्स सिरप का जखीरा पकड़ने के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई दवा की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी किराए के गोदाम पर नशीली दवाओं का कारोबार करता था। सतना जिले के कोलगवा थाना इलाके में बासनाका में संजय ताम्रकर नाम का माफिया किराए के मकान में गोदाम बनाकर नशीली दवाओं का व्यापार कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर सतना पुलिस मौके पर पहुंची और छापामारी कार्रवाई की। पुलिस की माने तो कुशल कंधारी नामक व्यापारी के मकान से भारी मात्रा में कोरेक्स बरामद की गई है। मौके से माल सहित आरोपी संजय ताम्रकर को भी हिरासत में लिया गया, जिसके खिलाफ पूर्व में भी नशे के व्यापार करने के मामले दर्ज हैं। आरोपी संजय रीवा में कई बार पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। कितने मात्रा में ये थाना कोलगावा की घटना है। मुखबिर से जो सूचना प्राप्त हुई थी उस पर से पुलिस द्वारा एक कांधारी कुशाल कांधारी के मकान पे रेड की गई है। वहाँ से भारी मात्रा में लगभग 400 पेटी कोरेक्स जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख के करीब है। इसकी कीमत तो इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसमें कौन कौन जुड़े हैं इससे, इसमें अग्रिम विवेचना की जा रही है। सर, मौके से एक व्यक्ति को पकड़ा गया। हाँ, एक व्यक्ति जो संजय ताम्रकार है उसको पकड़ा गया है। पूर्व में भी उसके कई मामले हैं इसमें, और कार्रवाई की जा रही है। सर, रीवा में भी बड़े एक ट्रक पकड़ा गया था और इनका भी नाम आया था, तो क्या इसका लिंक रीवा से भी जोड़ा जाएगा इस तरह से? अब विवेचना का विषय है, इसमें कौन कौन शामिल है, कितने लोग हैं, उनका नेटवर्क कहाँ कहाँ है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। इन दिनों सतना में कोरेक्स सिरप का काला कारोबार चरम पर है। युवा पीढ़ी सस्ते में भरपूर नशे की आदी हो गई है। ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में व्यापारी कोरेक्स के व्यापार की तरफ आकर्षित होते हैं और मिलीभगत से व्यापार चलाते हैं। सतना से सैयद सलाहुद्दीन की रिपोर्ट।